नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। और एसएम न्यूज में आज एक बड़ी रिपोर्ट है कि गोदी मीडिया नहीं दिखाता वो सारी बातें जो उसे दिखानी चाहिए, उसकी वजह से उसकी टीआरपी होती जा रही है बहुत ज्यादा कम। क्या कभी आपने नोटिस करा है कि पहले जो आपको चाव रहा करता था न्यूज चैनल देखने का, न्यूज पे शाम को बैठने का, तो आजकल आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ व्हाट्सअप, मोबाइल या फिर बच्चों के साथ कुछ खेलना खाना ये सब करते हैं, ना कि प्राइम टाइम देखने जाते हैं कि प्राइम टाइम शुरू होने वाला है थोड़ा सा न्यूज देख लें, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। देश के अंदर आपको पहले ही सारी खबरें मिल जाती हैं, और जो खबरें मिलती हैं वो बिल्कुल आपके दिखाए हुए तरीके से बिल्कुल विपरीत होती हैं। जैसे देश के अंदर जीएसटी हुआ, जीएसटी के फायदे नुकसान नहीं दिखाए मीडिया ने, जबकि देश के अंदर जो बिजनेसमैन लोग थे वो बहुत परेशान रहे, उनको जीएसटी से क्या परेशानियां हुई इसकी बात नहीं की कभी भी गोदी मीडिया ने। और जीरो स्केल से हाईटेक बनाने वाला एक गोदी मीडिया ही ऐसा है जो जमीनी तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि 45 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 5 साल के अंदर आई है, और ये सारा काम गोदी मीडिया को श्रेय देंगे तो भी कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि उसका एक कारण है कि जनता तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती है जो पहुंचनी चाहिए। नोटबंदी के अंदर कितने लोगों की जान गई, कितने परिवार उजड़े, इसकी बात कभी नहीं की गोदी मीडिया ने। लोकसभा इलेक्शन के अंदर बात नहीं की गई मुद्दों की, बात नहीं की गई रोजगार की, बात नहीं की गई विकास की, ये सारी बातें छुपाई रखी गोदी मीडिया ने। और उन्होंने जो दिखाना था उन्होंने दिखाया कि सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, वर्ल्ड वार, राम मंदिर, जल्दी बनेगा राम मंदिर, धर्म, इन बातों पे गोदी मीडिया ने अपनी बात को बड़े खुले स्तर पे रखा। गोदी मीडिया कहीं भी अपनी कमी नहीं छोड़ता है और उसको बढ़ चढ़ कर दिखाता है। गोदी मीडिया ने एक बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है अपने उन लोगों को दिखाने का जिनके पास कोई भी गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, अनुभव नहीं है और डिग्रियां नहीं है, कभी उनकी बात नहीं दिखाता। यहाँ तक कि आपराधिक मामले चल रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एक उड़ीसा के सारंगी नाथ को पेश किया गया और इतना बढ़ चढ़कर पेश दिया, उनकी सादगी दिखाई, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बताया कि उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, 7-7, 8-8, और वो जेल भी जा चुके हैं। कभी गोदी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि गोदी मीडिया ने यहाँ तक दिखाया कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो ने इतना गलत बोल दिया, ऐसा बोल दिया और सपा के वोट नहीं मिले, लेकिन उसके तुरंत बाद समीक्षा के अगले दिन ही मायावती को मीडिया के सामने आना पड़ा, जब उन्होंने देखा कि गठबंधन की इतनी सफलता को देखकर गोदी मीडिया इस तरीके के आयोजित कार्यक्रम दिखा रही है, तो उन्होंने तुरंत मीडिया के सामने आई और उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने क्या क्या बात करी थी, कि इतना विवश कर देता है गोदी मीडिया की जनता के सामने आपको इस तरीके से पेश कर देता है जैसे आप ही सबसे बड़े गुनहगार हैं। इस वजह से भी कांग्रेस, बीएसपी और सपा ने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारा कोई भी वक्ता नहीं जाएगा प्राइम टाइम के अंदर डिबेट के अंदर, क्योंकि आप बात करते हैं तो उनको उलझा देते हैं और फिर डांट के, फटकार के जो भी वक्ता पहुंचा होता है उसको भगाने तक, उनको पिटवाने तक का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम तैयार होता है बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया के अंदर। ऐसे चैनलों से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने देखना शुरू करा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ता चला गया क्योंकि आपकी बातों को तुरंत कई लाख लोग फॉलो करते हैं, और आप लोगों ने सोशल मीडिया को इतना मजबूत कर दिया कि अब लोगों को, जनता को नहीं पसंद है बड़ा स्ट्रीम मीडिया, और वो सोशल मीडिया पे अपनी सारी बातें देख लेते हैं, कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।